श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, सोमवार जो सोम प्रदोष 28 फरवरी को पड़ रहा है, वैसे मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि प्रदोष के दिन ही किया जाए, ये कोई भी सोमवार को किया जा सकता है। शिवरात्रि 1 मार्च को पड़ रही है, उस दिन भी किया जा सकता है। और आप कभी भी किसी भी सोमवार को यदि करते हैं, आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। यदि आप किसी कारण से सोमवार को नहीं कर सकते हैं, तो आप पूर्णिमा को भी ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ को कोई भी चीज चढ़ाई हुई व्यर्थ नहीं जाती, सबका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है और अच्छे से अच्छा प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। आप थोड़ा सा घी अपने साथ रख के ले जाएं, घी गाय का ही होना चाहिए। और भोलेनाथ को बेलपत्र आप 5, 7, 3, 1 जितनी बेलपत्र आपको आसानी से मिल जाए, बस बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए। आप उसकी सीधी तरफ चिकनी सतह पर आप बेलपत्र पर पूरी तरीके से जो गाय का शुद्ध घी ले गए हैं उसे लगा लीजिए और भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। साथ ही ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाएं। ऐसा कहा जाता है यदि ये सोमवार की सोमवार कर लिया जाए, और यदि समय नहीं मिल पाता है तो पूर्णिमा के दिन किसी दिन भी। वैसे सोमवार का महत्व ही बहुत ज़्यादा है, और जो 28 फरवरी को सोम प्रदोष पड़ रही है, इस दिन यदि प्रदोष काल में एक उपाय कर लिया जाए, बहुत ही अच्छा उपाय है ये। आप कर देखें, आपकी धन संबंधी या जो भी समस्या है, कैसे चुटकियों में चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। भोलेनाथ तुरंत फल देने वाले हैं, उन्हें मनाने में टाइम नहीं लगता, बिल्कुल समय नहीं लगता। अब भोलेनाथ इतने भोले भाले हैं कि आप जो भी चीज़ श्रद्धा से उन्हें समर्पित करते हैं, वह ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, यदि आपके शहर में, आपके गांव में कोई ऐसा मंदिर भोलेनाथ का हो जो बिल्कुल अलग सुनसान जगह पर हो, तो आप अवश्य यह उपाय करें। यदि शिवरात्रि पर कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम उपाय है, यदि नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप सोमवार के दिन करें। आप इसके लिए प्रदोष का दिन सबसे अच्छा माना गया है। आप आधा किलो, 1 किलो जितना भी आपकी ले सकते हैं, लेकिन अक्षत के दाने आप दुकान पे से, जिस भी दुकान पे से लेते हैं, बोल के लें कि पूजन के लिए चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश वह इसे चावल देते हैं जो खंडित नहीं होते, पूरा आखा दाना होता है। आप उस तरीके से चावल ले लीजिए और एक बार बीन लीजिए, उसमें खंडित दाना नहीं हो। कोशिश कीजिए आप लेकर जो सुनसान जगह पर शिवालय हो वहाँ जाइए, वहाँ जाकर एक बर्तन में, एक पात्र में आप पूरे चावल रख लीजिए और भोलेनाथ के समक्ष बैठ के ये धन की समस्या को दूर करने के लिए, धन की कमी को दूर करने के लिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर की ओर आकर्षित करने के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है। आप अवश्य एक बार अवश्य कर देखना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब आप चावल समर्पित करते हैं भोलेनाथ को, तो आपके घर में लक्ष्मी का अतः भंडार भर जाता है। और जो ये पखवाड़ा, जो ये सप्ताह पूरा शिव जी की महिमाओं से अटा रहेगा, इसलिए आप इसे जैसे माँ दुर्गा के लिए नवरात्रे होते हैं, वैसे ये शिवरात्रि के दिन चल रहे हैं, शिव जी के दिन चल रहे हैं। इस समय में जो भी आप करते हैं बहुत ही जल्दी फलदायी होते हैं। प्रदोष का दिन भी पड़ रहा है सोमवार के दिन, और प्रदोष काल में आप कर सकते हैं। ये पूरे दिन बहुत अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। यदि नहीं कर पाए तो शिवरात्रि के दिन करें, और तब भी नहीं कर पाए तो आप किसी भी सोमवार को ये कार्य कर सकते हैं। आप चावल आधा किलो ले लें, 1 किलो ले लें, इसे किसी पात्र में रख लें। बस चावल का, इस बात का फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल साबुत ही होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। आप मुट्ठी में भरकर भोलेनाथ के सामने बैठ जाएं बिल्कुल, और भोलेनाथ के ऊपर मुट्ठी से बैठकर समर्पित करें, और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको पसंद हो, वह मंत्र का जाप करें। ऐसा कोई गिनती से नहीं करना है,
आप जितने बार आप मुट्ठी से चावल डालते हैं और जितनी धीरे धीरे डालकर भी आप मंत्र का लगातार जाप करते हैं, आप चावल डाल दीजिए और पूरे चावल आप जब समर्पित कर दें, यदि पूरे नहीं करना चाहते हैं आप मुट्ठी भर के 8-10 मुट्ठियाँ डाल दें, जो बचा हुआ चावल आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और उसके बाद आप विनती कर लें भोलेनाथ के समक्ष, जो भी आप कार्य सिद्धि चाहते हैं उसकी, उसके लिए आप भोलेनाथ के समक्ष विनती करें। थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन करना मुश्किल होगा क्योंकि मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ बैठकर ये करना नहीं हो पाता, इसलिए आप सोमवार का दिन ही इसका चुनाव करें। यदि प्रदोष के दिन ये कार्य कर सकते हैं तो 28 फरवरी को पड़ने वाला प्रदोष आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आप करें, कर कर देखें। आपको चावल समर्पित करना है और आप घर आ जाएं। सिर्फ एक बार ही करने से आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव देखने को मिलेगा। कहाँ से आपको लक्ष्मी प्राप्त होने लगेगी, कहाँ से आपकी धन की आवक बढ़ जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब आप पूरी तरीके से लक्ष्मी से तृप्त हो जाएंगे तब आपको विश्वास होगा कि हाँ, इस उपाय में कुछ शक्ति है। साथ ही प्रदोष काल में करने वाला एक और बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ। आप 7 चावल के दाने लें, थोड़ा सा तिल लें और थोड़ा सा ही शुद्ध गाय का घी। आप घर में ही ये कार्य कर सकते हैं। आप इन तीनों को मिक्स कर लीजिए। आप यदि आपको आराम से इजीली आम की लकड़ी सूखी हुई मिल जाए, वैसे तो मिल जाती है समीधा के नाम से, आप बुलाएं, एक उपला जलाएं, कंडा सभी के घर में होता है, और उसमें भगवान भोलेनाथ के नाम से हवन हवन करें। उसमें काली तिलक होना अवश्य है और साथ में चावल, अक्षत और शुद्ध घी। इन तीनों वस्तुओं से आप काली तिल, चावल और शुद्ध घी को, तीनों को मिक्स कर लें और जो उपला आपने प्रज्वलित किया है, जो उपले की कंडी बनाई है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके 11 बार 21 बार आहुति दें, ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः ओम जाप कर कर। आप देखना, आपको अपने घर में ही, आपका यदि भगवान का स्थल अलग है आप उधर कर सकते हैं, आप अपने रसोई घर में कर सकते हैं और पूरा घर में उसका धुआं थोड़ा सा फैलने दें। आपका साल भर का जो भी आपकी दूषित वातावरण चल रहा था, जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, एकदम बाहर हो जाएगी। और मानकर चलिए कम से कम साल भर तो आपका बहुत ही सुख और समृद्धि भरा निकलने वाला है। अगले साल फिर से आप ये उपाय कर सकते हैं, कर कर देखिए विश्वास और श्रद्धा के साथ। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन आपके जीवन को बहुत ही सहज और सरल बनाने के लिए बहुत ही शक्तिशाली हैं। कर कर देखिए श्रद्धा और भक्ति के साथ। ओम नमः शिवाय।